जी सर, एक अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, क्या है पूरा मामला? हमें सूचना मिली थी कि मुस्कुरा में एक जगह पे गुटखा फैक्ट्री लगी हुई है जो तंबाकू मिक्स करके और ये गुटखा बना रही है, तंबाकू मिसी सुपारी पैक कर रही है। तो हम अपनी टीम को लेकर के लगभग 6:30 बजे यहाँ पे 5:30 बजे पहुँचे। फिर थाने से पुलिस लिया और उसके बाद से हरिओम गुप्ता उर्फ कल्लू के यहाँ जो है हमने छापेमारी की, जिसके यहाँ सूचना थी हमको। तो वहाँ एक कमरे में ताला लगा हुआ था जहाँ पे मशीन और गुटखा बना हुआ पैकेट पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद से हम लोगों ने एसडीएम साहब को बुला करके ताला तोड़वाया और वहाँ से जो है मशीन प्लस गुटखा लगभग 6-7 बोरी गुटखा है, और उसके सामने एक घर में लगभग 8 बोरी तंबाकू, उसके साथ साथ 2 पैकेट 2 पॉलीबैग गुटखा भी था, साथ में ये रैपर थे जो गुटखा बनाने में प्रयुक्त होता है, लगभग 10 बोरी, ये सब बरामद किया गया। ये सब हरिओम गुप्ता कल्लू का ही था। और उसके बाद से हम लोग इसको थाने लेके आए हैं, वहाँ सैंपलिंग करा दी गई, उसके बाद इसको थाने को सपोर्ट कर दिया जाएगा। सर, लगभग कितने का माल होगा ये जो पकड़ा गया? अभी लाखों का है माल है, क्योंकि एक है माल है, क्योंकि एक जो पाउच है वो लगभग 35 रुपये का बिकता है और 7 बोरे में 200 पाउच प्रति बोरा है, प्रति बोरा यानी 1400 का 35 से मल्टीप्लाई करिए तो इतना तो तंबाकू में से गुटखा ही है। उसके बाद 3.5 बोरी जो है तंबाकू मिश्रित सुपारी है, फिर तंबाकू भी है, रोल भी है, तो ये लगभग 2-4 लाख का सामान है। सर, ये अभियान आपका जारी रहेगा क्योंकि और भी मशीनें यहाँ पे जनपद में जी हाँ, जैसे सूचना मिलेगी हम और भी अभियान करेंगे। ये तो स्टार्टिंग है, ये हमारी स्टार्टिंग है, इंड नहीं है। और हमें लगता है हम जब तक कि यहाँ पूरे जनपद से तंबाकू मिश्रित गुटखा का जो अवैध कारोबार हो रहा है उसको ख़त्म ना करा दिया जाएगा, तब तक जो है अभियान जारी रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।